बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि असला लाइसेंस ट्रांसफर करवाने का तरीकाकार क्या है। जिसके नाम पर असला लाइसेंस है, अगर उसकी बाय नेचर वफात हो जाती है तो उसके बाद उसका लाइसेंस अपने नाम पर या किसी और के नाम पर किस तरह ट्रांसफ़र करवाते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई बंदा ज़िंदा है और वो उसको अब ज़रूरत नहीं रही उस वेपन की, तो वो अपना वेपन लाइसेंस जो है वो किसी दूसरे बंदे के नाम किस तरह ट्रांसफ़र करवा सकता है, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है। वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर किसी बंदे की बाय नेचर वफात हो जाती है या किसी हादसे की सूरत में वो उस दुनिया से चल बसे हैं, तो अगर उसके नाम पर कोई असला लाइसेंस जारी हुआ है तो उसको किस तरह ट्रांसफ़र करवाना है। जब भी आपने असला लाइसेंस को ट्रांसफ़र करवाना होता है किसी ऐसे फ़र्द का जो कि अब हयात नहीं है, तो सबसे पहले उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपने उसका असला लाइसेंस उसकी एक कॉपी लेनी है या ओरिजिनल ही साथ लगा दें तो बेहतर होगा। और एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है ट्रांसफ़र ऑफ वेपन, ये आप अगर आप कचहरी में जाते हैं तो वहां पर इजीली आपको अवेलेबल होता है, वरना आप वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसके साथ आपने एक सीएनसी कॉपी अपनी लगानी है और जिस बंदे का आप असला लाइसेंस अपने नाम पर या किसी और के नाम पर ट्रांसफर करवा रहे हैं उसकी सीएनसी की कॉपी साथ लगवानी है। इसके साथ अपना डोमिसाइल लगवाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगवाना है और इसके साथ कोई भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की कलदन तंजीम से आपका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, आप मेंटली तौर पर फिट होने चाहिए। ये तमाम रिक्वायरमेंट अगर पूरी हैं तो आप एक फाइल तैयार करके डीसी ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आपको असला लाइसेंस जो है वो ट्रांसफर करके जारी कर दिया जाएगा, मगर इसका एक टाइम पीरियड मौजूद होता है। एक साल के अंदर अगर आप असला लाइसेंस नहीं जमा करवाते तो टाइम पीरियड इसका खत्म हो जाता है। मैक्सिमम टाइम 5 साल का होता है अगर आप ट्रांसफर करवा लेते हैं तो। अगर 5 साल के दौरान आप फिर भी ट्रांसफर नहीं करवाते, जितने साल आपने गुजारे हैं 1 साल के बाद हर साल की एक अथेंटिक रीजन देनी होगी, फलां वजह से आप असला लाइसेंस ट्रांसफर नहीं करवा सके। उसकी अथेंटिक अगर रीजन होगी तो असला लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वरना मनसूख कर दिया जाएगा। यह था एक ऐसे बंदे का जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी डेथ हो गई है, उसका असला लाइसेंस किसी और बंदे के नाम ट्रांसफर करवाने का तरीका। इसके साथ साथ लाइफ टाइम में कैसे असला लाइसेंस एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफर किया जाता है, इसमें एक बंदा जिसने अपने नाम पर असला लाइसेंस जारी करवाया है मगर अब उसको उस असले की उस वेपन की जरूरत नहीं रही, मतलब उसको किसी केस की वजह से, अपने थ्रेट की वजह से कि फलां केस हमारा चल रहा है और मुझे अब वेपन की जरूरत है, मेरी जान को खतरा है, उसके बाद वो केस खत्म हो गया, वो तमाम मामला दुरुस्त हो गए, तब उसको जरूरत नहीं रही वेपन की, तो वो क्या करेगा कि उस वेपन का लाइसेंस को किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकता है। एप्लीकेशन ट्रांसफर लेटर की जो है वो लिखकर, और इसमें वो तमाम रिक्वायरमेंट्स और तरीकाकार होता है वही तमाम उस प्रोसीजर के तहत उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाकर वो डीसी ऑफिस में जमा करवा देगा। एक तो सूरत ये बनती है। दूसरी सूरत यह है कि असला लाइसेंस जो आपके नाम पर है, अब आप उस बंदे की देख रहे हैं कि उसकी मेंटली जो पोजीशन है वो इस लाइसेंस को रखने की नहीं रही, वो खुद मेंटली तौर पर जो है वो डिस्टर्ब है, तो आप उसका असला लाइसेंस किसी और दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं, उसे वेपन ले सकते हैं। इसके साथ अगर वो इतना बीमार है या उसको अब जरूरत नहीं रही,
वो इसको यूज नहीं कर रहा यूज लेस अर्स के लिए, तो फिर भी असल लाइसेंस ट्रांसफर करवाया जा सकते हैं। ट्रांसफर के लिए एक एप्लीकेशन लिखें और उसके साथ रीजन लिखें कि किस रीजन की बिना पर आप एक असल लाइसेंस जो है वो दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसकी भी जरूरत लिखें कि उसको किस वजह से चाहिए। और ये एप्लीकेशन में लिखने के बाद इसमें इसके साथ आप अपना डोमिसाइल और मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं कि आप ज़हनी तौर पर किसी तनाव का शिकार नहीं है, आप ज़हनी तौर पर इल नहीं हैं, आप फिट हैं, इसके साथ आप पुलिस कैप्टन सर्टिफिकेट और CNSA की कॉपी और तमाम जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद DC ऑफिस में जमा करवा सकते हैं और असला लाइसेंस ट्रांसफर हो जाता है। तो ये दो तरीक़ेकार ऐसे थे कि जिसमें असला लाइसेंस बड़ी आसानी से तरीक़ेकार से एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।